Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel, it's Humble Ahmed here again. Well, guys, ये हमने एक सिस्टम इंस्टॉल किया है 3.2 किलोवाट का. इसमें हमने एरोक्स 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ किया है और इसमें सोलर पैनल हमने हुंडई के लगाए 320 वाट ईच, 11 पैनल्स लगाए और 11 की 11 पैनल हमने सीरीज में इसमें कनेक्ट किए और साथ में हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है जिसमें हमारे ब्रेकर्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और चेंज ओवर इंस्टॉल है. और ये हमारे पास नीचे बैटरी बैंक है, इसका दो बैटरीज लगाई हैं, 24 वोल्ट डीसी बैटरी बैंक के वोल्टेज है और 185 एम्पियर आर की हमारी बैटरी की एम्पियर रेटिंग है. अच्छा, ये जो एरोक्स 3.2 इन्वर्टर है, इसके मैक्सिमम वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो है वो 500 डीसी है. इससे ज़्यादा जाने नहीं चाहिए, इससे जाएंगे तो ये लेगा भी नहीं और ये प्रॉपर काम भी नहीं करेगा. और कम से कम वोल्टेज मैंने जो हमने लोगों ने नोट किया है वो सिर्फ पहले हमने इसमें सीरीज में कम से कम लगाए 220 वोल्ट एटलीस्ट को रिक्वायर्ड होते हैं. तो हमने इस पर वोल्टेज को ज़्यादा दिए, हमने इसको वोल्टेज दिए अराउंड 410-415 वोल्टेज हमने इसको इनपुट पर दिए जिस पर प्रॉपर में काम कर रहा है. अच्छा, वेल गाइज, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो हमने इन्वर्टर में इंस्टॉल किया है. इस पर चेंज ओवर लगा हुआ है, 1 पर हमने सोलर दिया है, 0 पे स्विच ऑफ है और 2 पे ग्रिड इनपुट है जो ग्रिड से डायरेक्ट चलाया जा सकता है. इससे ऊपर वोल्ट मीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है, ये वापडा का है, ग्रीन वाला सोलर का है और उसके नीचे हमारा एम्पियर मीटर है, डिजिटल एम्पियर मीटर है. इस पर जो लोड चला है वो 3.3 एम्पियर का लोड चल रहा है. इस पर हमने एम्पियर मीटर के साथ रिकन की सीटी इंस्टॉल की है, करंट ट्रांसफार्मर और इस पर मिट्सुबिशी का हमने एसीडीसी ब्रेकर लगाया है 80 एम्पियर का बैटरी बैंक के ऊपर. और पीवी के लिए, सोलर इनपुट के लिए हमने शिनाइडर का ब्रेकर यूज़ किया है डीसी 1000 वोल्ट 63 एम्पियर का. और सोलर इनपुट और ग्रिड इनपुट और लोड के लिए जो हमने इस पर ब्रेकर्स लगाए हैं वो हमने लगाए हैं हुंडई के. लोड पर हमने लगाया 20 एम्पियर का ब्रेकर और ग्रिड पर हमने लगाया 30 एम्पियर का ब्रेकर. अच्छा सॉरी, 50 एम्पियर का ब्रेकर हमने इनपुट पे लगाया और 40 एम्पियर का मीटर ब्रेकर हमने आउटपुट पे लगाया. अच्छा, ये जो हमने लगाया ये कहलाता है अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कहलाती है, जो एज ए ब्रेकर का भी काम कर रही होती है. इस पर हमने वोल्टेज की इनपुट रेटिंग दी हुई है कि 180 वोल्ट से नीचे जाए तो ये ग्रिड इनपुट ना ले, यानी इन्वर्टर को इनपुट ना दे, और अगर 240 प्लस ये वोल्ट जाते हैं तो तब भी ये ग्रिड इनपुट डिस्कनेक्ट कर देगा. और जब तक इसके जो हमने पैरामीटर सेट किए हैं, जब तक उसके वोल्टेज उस पैरामीटर के मुताबिक नहीं आएंगे तो ग्रिड को ये ग्रिड से लेकर ये इन्वर्टर को इनपुट देगा नहीं. और गाइस, ये जो बैटरी बैंक हमने इस पर हमने ये यूज़ किए हैं, ग्रिड्स वगैरह यूज़ किए हैं, 3 ग्रिड्स लगाए हैं और तीनों पर हमने, एक पर हमने डीसी वायर गुजारी हैं और दूसरे पर हमने एसी की केबल्स गुजारी हैं और तीसरे पर हमने हाई वोल्टेज डीसी केबल्स गुजारी हैं. एज यू कैन सी हियर, वेल आई नो जो ड्रेसिंग है हमारी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बल्कि बुरी है. इस पर हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं. एक्चुअली ये जो वायर हमने केबल यूज़ की है ये स्टैंडर्ड केबल है और ऑल यू गाइज नो के स्टैंड केबल को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. अगर इस पर डक लगाई गई तो कंजेस्टेड हो जाएगा ये, तो इसलिए हमने इसके अंदर डक लगाई नहीं है. वेल गाइज, इस पर जो हमने बैटरी बैंक यूज़ किया है वो TX 1800 यूज़ किया है, फिनिक्स का टॉल ट्यूबलर बैटरी है और ये इसकी कैटेगरी टाइप जो है वो C20 है और इसके एम्पियर रेटिंग 185 एम्पियर है, सॉरी 230 एम्पियर है. C20 टाइप, सी कैटेगरी की टाइप 20 है तो 20 आवर्स रेटिंग की बैटरी है. ये 230 एम्पियर्स की बैटरी उस वक्त है जब इससे डिस्चार्ज रेट जो है वो 20 आवर्स के अंदर होगा, 20 आवर्स तक होगा. 20 आवर्स से कम होगा तो इसकी एम्पियर रेटिंग कम होती जाएगी ग्रेजुअली. इसकी 1 ईयर की वारंटी होती है बैटरी बैंक की और इन्वर्टर की हमारी वारंटी 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी है. और 2 ईयर्स की उसकी सर्विसेज वारंटी है. वेल गाइस, इस पर हमने यूज़ किए
हुंडई की 320 वॉट्स की सोलर पैनल यूज़ किए, वेल ये स्टॉक लॉट है। इस पे हमने 11 पैनल सीरीज में कनेक्ट किए हैं। एक पैनल हमने यहाँ से लिया है, बाकी पांच पैनल की सीरीज इसके पीछे है जो हमने सीरीज में ही कनेक्ट किए हैं। इस पे आयरन से कंसोल है, इस पे जो कनेक्टेड वायर्स हैं वो सबके सब फ्लेक्सिबल पाइपें हैं। वेल गाइस, इस सोलर पैनल के जो VOC हैं वो 45.5 हैं, विच मीन्स कि जब हम सीरीज में कनेक्ट किए 11 के 11 पैनल तो जो वोल्टेज बन रहे हैं वो बन रहे हैं बिलो 500 को रीच कर रहे हैं। लेकिन जो इसके VMP हैं, VMP इसके 36.7 है, विच मीन के हम 420 प्लस नहीं जा पाएंगे, 425 के दरमियान हम रहेंगे जो इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है उसको बिल्कुल मैच करते हुए। और गाइस, जिन लोगों ने हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन बार पे लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। और गाइज, हमें इंतज़ार रहता है आप लोगों के सजेशन का और हम उम्मीद करते हैं कि हमें हमारी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो हमारी पॉलिसी है, क्योंकि हम बहुत सारी हमें कोताहियाँ कमियाँ होंगी इस वक्त मौजूदा हालत में जो हम चाहेंगे दूर करना, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल हमें दीजिए, हम उन सजेशन पर गौर करेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे अगर हम अमल कर सकते होंगे तो। और थैंक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।